हाय एवरीवन दिस इज रॉनिका आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है प्रैक्टिस ऑफ टैटूइंग इन छत्तीसगढ़ यहाँ पे टैटू हम सब लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग शौकीन रहते हैं बनाने की लेकिन यहाँ पे एक ट्रेडिशनल टैटू आर्ट की हम बात करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ में अपनाया जाता है गोधना इसका नाम है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम का कोई भी स्मार्ट कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और चेकआउट के टाइम अगर आप डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं वीरो थ्री थ्री इस पर थर्टी थ्री परसेंट ऑफ आपको मिलेगा नाउ कमिंग बैक टू दिस यहाँ पे हम स्पेशली ये टॉपिक डिस्कस करेंगे गोदना आर्टिस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गोदना आर्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी इसको छत्तीसगढ़ में गोदना या गुदना कुछ भी कहा दोनों में से एक चीज़ नाम जो है इसका लिया जाता है अब गवर्नमेंट बेसिकली बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है इन आर्टिस्ट को कि ना ही सिर्फ ये ऑन्ट्रप्रनोर्स बन पाए बल्कि नए लोगों को ट्रेन भी कर पाएँ क्योंकि यूजुअली जो ट्रेडिशनल आर्ट्स होते हैं हम उसमें देखते हैं कि वो आर्ट कहीं ना कहीं समय के साथ फीका पड़ जाता है खो जाता है क्योंकि जो नई जनरेशन आती हैं उसको नहीं सीखती तो यहाँ कोशिश ये कोशिश करें कि इसको रिवाइव भी किया जाए और दूसरी तरफ नए लोगों को ट्रेन भी किया जाए जो आर्टिस्ट छत्तीसगढ़ हथ हिल्प विकास बोर्ड के साथ इसके अंडर काम कर रहे हैं और हैंडलूम फेडरेशन के जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ उनको यहाँ पे ये काम सिखाया जा रहा है प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में जान सकते हैं अब देखिए गोदना क्या है ये आर्ट आ, ये आर्ट क्या है टाटू का देखिए जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं ना इस तरह से ये टाटू किया हुआ है ये गोदना टैटू uh, कहलाता है ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है इंडिया में जनरली अगर आप देखेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ में नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में टैटू करने को गोदना कहा जाता है इसके बहुत अलग अलग मोटिव्स आते हैं उनके आ, यानी डिज़ाइंस होते हैं स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस रहता है कोई नेचर से रिलेटेड होता है कोई रिलीजन से रिलेटेड होता है महिलाओं को भी आ, ये टैटू करवाना पड़ता है कुछ इस तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पर टैटू करवाना जो है उसको कंपल्सरी माना जाता है कि मायके में अलग ससुराल में अलग कई पुराने लोग जो होते हैं अगर उनके घर में कोई बहू आती अगर वो गोदना नहीं करवा के आती तो उसके हाथ का खाना पीना भी नहीं खाते और काफी मिथोलॉजिकल बातें भी इससे जुड़ी हुई हैं इस टाटू से ये जो टाटू है इसको काफी वैल्यू किया जाता है क्यों एक तो ट्रेडिशन है दूसरा इसकी पावर्स ऑफ हीलिंग को भी माना जाता है कि सेहत अच्छी रहती है और ट्रेडिशनल रिचुअलिस्ट रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस तो इसका है ही लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्योंकि ये ट्राइबल लोग ज़्यादा करवाते थे तो इस तरह की बातें होने लग गई कि अब ट्राइबल लोग जैसे मॉडर्न समय आ रहा है कि टैटू करवाना बैकवर्डनेस की निशानी है तो काफ़ी लोगों ने टैटू करवाना बंद भी कर दिया तो बहुत कम लोग हैं जो आज के ज़माने में इस तरह के टैटूज़ करवा रहे हैं जो सिटीज़ की तरफ चले गए हैं माइग्रेट कर गए हैं तो वो ट्रेडिशनल आर्ट टैटूज़ नहीं करवाते इस वजह से टैटू आर्टिस्ट काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है क्योंकि पहले टैटू कराने के पैसे भी लेते थे लोग कि अब चेंजिंग वर्ल्ड में वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे टैटू आर्टिस्ट अगर लोग टैटू नहीं कराएंगे तो यहाँ पे देखिए ट्राइबल्स ट्रेडिशनल ट्राइबल्स से जो रिलेटेड ये टैटूज़ हैं ये इस तरीके से पूरा गोदना जो है ये किया जाता है टैटू किया जाता है प्रमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जैसे सहारीज़ हो गए राजस्थान के बुकसाज़ हो गए राजीज़ हो गए उत्तरांचल के यहाँ पे सबके नाम दिए हुए अलग अलग छत्तीसगढ़ में भी ये अबू मरियाज बेगाज अबूज मरियाज हिल कौरवाज़ भैरियाज सहारियाज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के यहाँ पे सब में इस तरह का जो टैटू कराने का रिवाज है वो चलता है टैटू के पैटर्न अलग अलग हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि कोई किस तरह का टैटू करवा रहा है एथनिक ग्रुप्स पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का कल्चर है कौन से ट्राइब से आप आ रहे हो कौन सा वाला टैटू आप करवाओगे अब जो वुमेन है महिलाएँ हैं और ट्राइब की जो कि सरगुजा या रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं वो तीन लाइन टैटू के अपने फोर हेड भी करवाती हैं भील की जो भील महिलाएं हैं उनका भी एक कैरेक्टरिस्टिक पंछी जैसा बोर्ड लाइक टैटू आइज के एक साइड के एंगल पे रहता है जो उसको परमानेंट लॉन्ग लास्ट लुक देता है अब ये तो बात थी टैटू की कि काफ़ी सारे आपके रिलीजियस में थोलॉजिकल इससे जुड़े हुए हैं क्योंकि टैटू कब ये वाला गोदना आर्ट शुरू हुआ हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण ने भी इसका रूप धारण करके वो राधा को गोदने के लिए गए थे और बट कांट से एग्जैक्टली कि कब ये आर्ट जो है ये ट्रेडिशन जो है वो शुरू हुआ और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि महिलाओं के लिए पर्मांट भी था कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि अगर आप ये गोदना जो अपना हाथ है उसकी ऑपोजिट तरफ पे नहीं कराओगे तो जिस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट है हेल एंड हेवन का स्वर्ग का तो स्वर्ग में जब आपकी अंजलि में पानी दिया जाएगा तो वो आप स्टोर नहीं कर पाओ कर पाओगे वो पानी गिर जाएगा आपके हाथ से या जो महिलाएं जब किसी की डेथ हो जाती है भगवान के पास जाते हैं तो वहाँ पे फिर से ये टैटू कराया जाता है तो इसको काफ़ी रिलीजियस इम्पोर्टेंस जो है वो दी जाती है टैटू करवाने को गोदना जिसको हम कह रहे हैं अब हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि ये टाटू कहीं ना कहीं इट्स डाइंग कि नए लोग मॉडर्न जमाने में नहीं करवा रहे तो गोदना पेंटिंग भी शुरू किया गया कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में प्री हिस्टोरिक रॉक टाटूज जो हैं पॉपुलर ट्रेडिशन है लेकिन उतना नहीं है कि लोगों का रोज़गार चल सके तो पेंटिंग भी शुरू किया गया आप देखिए गोदना पेंटिंग दीवार गोदना जो है डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में वहाँ पे होगी गोदी गोदना ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ मधुबनी गोदना इस तरह के अलग अलग की कोई नेचर से रिलेटेड कोई मिथोलॉजिकल फैक्ट से रिलेटेड वो चलता रहता है अब गोदना का मतलब होता है टुपरिक चुभाना कुछ क्योंकि टैटू का जो काम है आर्टवर्क है उसमें नीडल बॉडी में प्रिक की जाती है फिर ब्लैक कलर और ब्लू कलर का कोटिंग जो है वो उसको दिया जाता है तो छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी ये प्रोमिनेंट है जो गोदना आर्ट है जो लेडीज हैं ट्रेडिशनल टैटू मोटिवस जो हैं वो टेक्सटाइल कपड़े पे भी ये काम करती है फिर उनको नेचुरल कलर से उनको कलर किया जाता है इन फैब्रिक्स का बहुत सारा सामान बना के मार्केट में भेजा बेचा भी जाता है जैसे मैंने आपको श्री कृष्ण जी की एग्जाम्पल दी गोदना हरिन बन के वो राधा को टैटू करने के लिए भी गए थे तो आप देख सकते हैं कि हिंदुज्म से इसकी रूट्स हैं रिलीजियस वर्ड भी लोग काफ़ी ओम या इस तरह का भी टैटू करवाते हैं साइंटिफिक व्यू भी है इस टैटू गोदना के पीछे क्योंकि आ, लोग यहाँ पे जो ये टैटू करते हैं वो बोलते हैं कि एक्यूपेंचर टेक्निक जैसा है जैसे चाइना में बहुत सारी डिजीजेज़ आपकी नीडल्स प्रिक करके बॉडी में ठीक की जाती हैं तो 1958 में इंडिया में भी ये इंट्रोड्यूस हुआ न्यूरो हार्मोनल सिस्टम्स को ठीक करने के लिए तो इसका अच्छा ये भी माना जाता है कि नीडल स्किन को टच करती है जो प्रॉपर्ली आर्टिस्ट जो करते हैं तो बॉडी आपकी हेल्दी रहती है जो सुरगुजा रीजन के लोग हैं वो टैट टैटोइंग को मानते हैं कि और कोई ऑर्नामेंट हो या ना हो ये होना बहुत ज़रूरी है इससे दर्द भी हेल्थ जो है आपकी वो ठीक रहती है जैसे रिमाटिज्म है किसी जो पेन हो रही है उससे भी रिलीफ मिलता है कुछ महिलाओं जो ये आर्ट करती हैं उन्होंने भी कहा कि जैसे मेरे नी में बहुत पेन था और फिर ये टैटू करवाया तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा ओके कि उसको ठीक इससे आराम मिला अब गोदना सिग्निफिकेंस राम अरमिहा कास्ट में भी बहुत है छत्तीसगढ़ में जो इस कास्ट के लोग हैं बैंक्स ऑफ महानदी में रहते हैं महानदी के किनारे पर रहते हैं तो उनमें भी है कि ये राम र, राम रमा टैटू जो है अपनी बॉडी पार्ट्स पे करवाते हैं इस सेक्ट के लोग और मानते हैं कि लॉर्ड श्री राम में वो जो लोग बिलीव रखते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से अपनी पूरी बॉडी पे भी टैटू करवाते हैं कि भगवान उनको रिकोगनाइज़ मर जाएंगे स्वर्ग में भगवान को रिकोगनाइज़ करेंगे कि मेरा भक्त था तो ये सब मैं आपको एक सोशल और ट्रेडिशनल तरीके से ये आर्ट बता रही हूं कि किस तरह से ये होते आया है और धीरे धीरे ये थोड़ा फेड होने लग गया डिक्लाइन होने लग गया समय के साथ ये प्रैक्टिस जो है वो ख़त्म होने लग गई अब ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करना है तो फिर गवर्नमेंट का रोल आता है तो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी महिलाओं को इस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को ज़िंदा रखने के लिए पेमेंट करना शुरू किया है उनको और ज़्यादा काम देना ऑर्डर दिलवाना शुरू किया है ताकि उनका लाइवलीहुड चलता रहे और ये आर्ट भी जो है वो ख़त्म ना हो तो इस तरह से पिक्चर्स पे भी ये जो क्लोथ्स हैं उस पर हैंडलूम वर्क जिसको हम बोलते हैं ये मोटिवस जो हैं लेडीज़ को कहा कि आप यहाँ पे ड्रा ड्रा करो और लोगों को भी ड्रॉ करना और लड़कियों को भी ड्रॉ करना सिखाओ फिर इस तरह का जो कपड़ा है उसकी साड़ीज़ ब्लाउजेज़ घाघराज बना के भेजा जाता है ड्राई फ्रीट कि अगर आप देखेंगे हैंडलूम स्टोर्स ऑनलाइन पोर्टल्स पे ये चीज़ आपको मिलेगी वहाँ से इन लोगों की काफ़ी इनकम बन जाती है इन दिस नाइन थाउजेंड इज़ गिवन टू द ट्रेनिंग फिफ्टीन थाउजेंड टू दू द ट्रेनिंग पर मंथ तो काफ़ी पैसे भी यहाँ पे लोगों को जो ट्रेन कर रहे हैं और जो ट्रेन हो रहे हैं दोनों को दिया जाता है कि आप ये आर्ट सीखो क्योंकि उससे ये आर्ट भी खत्म नहीं होगा और लोगों का लाइवलीहुड भी चलता रहेगा तो यूजुअली जो महिलाएं हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो तभी मैंने आज ये गोदना का टॉपिक लिया कि बेसिकली ये टैटू आर्ट है जिसको अब हम कपड़े पे भी उतार रहे हैं पेंटिंग पे भी अगर आपको इसके ट्रेसेस मिलते हैं और इसका रिलीजियस और ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस है एंड हाउ द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द वुमेन कि आप इस आर्ट को रिवाइव करो उनको ले जाकर हॉस्टल्स में भी रखा जा रहा है इवन वो महिलाएं भी खुश हैं घर से बाहर रह के काम करने में क्योंकि उनकी अच्छी खासी इनकम भी बन रही है और इनकम के साथ साथ उनको नया एक्सपोजर भी हो रहा है तो इस आर्ट को अगर गोदना आर्ट पे कोई सवाल आता है तो आपको उसका हिस्ट्री कहाँ से है कहाँ पे किया जाता है क्यों किया जाता है किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ इसमें हेल्प कर रही है महिलाओं को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने में और आर्ट को सेव करने में ये सवाल इंपॉर्टेंट है नाउ विच ऑफ़ द फॉलिंग रीजन इज़ द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ तोड़ा ट्राइब कुमाऊं हिल्स नीलगिरी हिल्स खासी हिल्स करवाल हिल्स आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं पी भी आपको वहीं मिलेगा बाकी फॉर द कोर्सेज यू कैन विजिट द वेबसाइट और यू कैन सी दिस यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन आल्सो ईएमआई पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच